हेलो गाइस, तो अगर आप भी इस तरीके की रील्स को क्रिएट करना चाहते हैं, ये रील्स आपने इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा देखे होंगे, काफ़ी वायरल भी हो गई हैं इस वाले सॉन्ग पर, तो इस तरीके की रील्स को कैसे क्रिएट करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको BN एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। जब गाइस आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तब यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। बाकी दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। नीचे से आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, चार ऑप्शन सेम उसी की तरह होते हैं। यहाँ से आपको सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, प्लस वाले आइकॉन पर। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको उसी वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, जो वीडियो को आप इस तरीके से स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी वीडियो आपने शूट करके रख ली है, फिर दोस्तों किसी की भी वीडियो आप ले सकते हैं। तो गाइस सिंपली मैं यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी सिलेक्ट कर लेना होगा जिस भी वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं। नीचे आता हूँ, मैं स्नैपचैट वीडियो में जाता हूँ और यहाँ से मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो हमारी आ जाएगी तो सिंपली आपको भी उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप एडिट करना चाहें। उसके बाद ब्लैक स्क्रीन मिल आ जाती है, यानी कि वाटर मार्क, सिंपली आपको उसे डिलीट कर देना है। BN एप्लीकेशन में आपको वाटर मार्क मिल जाएगा। अब क्या, जैसे कि यहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं कि आपने प्रीव्यू में भी देखा होगा कि वीडियो में जैसे ही लड़की यहाँ से रूमाल को नीचे गिराती है जो स्क्रीन होती है वाइट हो जाती है। तो दोस्तों आपको भी इस तरीके से इफेक्ट को लगाना होगा और जो पीछे की स्क्रीन होगी उसको आपको ब्लैक एंड वाइट करना होगा। तो कैसे करना है आज हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो सबसे पहले दोस्तों जो वीडियो है उसका म्यूजिक को आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद यहाँ से आपको करना है, ओरिजिनल के बाद यहाँ से जाना होगा, आपको 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से इसी में रेशियो में हम बनाने वाले हैं अपना स्टेटस। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अब सबसे पहले म्यूजिक को आपको ऐड करना होगा क्योंकि हम उसी म्यूजिक पे स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ से आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, म्यूजिक में जाना होगा और यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ से आपको एडिट के बराबर वाले प्रेस का आइकॉन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ से तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, हैशटैग फ्रॉम वीडियो पे, इस पर क्लिक करना है। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, उसी वीडियो का म्यूजिक आपको लगाना होगा। तो गाइस यहाँ से मैं उस म्यूजिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है गाइस, आपको भी कर लेना होगा। देख लेते हैं कहाँ है वीडियो, ये वाली वीडियो आ गई, वीडियो को हम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना, ओके पे हम जैसे क्लिक करेंगे वीडियो का म्यूजिक हैशटैग हो जाएगा और सबसे ऊपर ही आ जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपको चूज पे क्लिक कर देना है और इस म्यूजिक को यहाँ से आपको राइट वाले ऑप्शन में क्लिक करके वहाँ पे ले आना है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ से हमारा म्यूजिक आ चुका है। अब इस म्यूजिक के हिसाब से हमें अपनी वीडियो को एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले तो गाइस हम अपनी वीडियो को थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं आगे से, क्योंकि म्यूजिक कम है और वीडियो हमारी थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं स्प्लिट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देख लीजिए दोस्तों म्यूजिक के हिसाब से हमारी वीडियो हो गई है। अब हमें वीडियो को ट्रिम करना है, इफेक्ट लगाना है और वाइट स्क्रीन करना है। तो गाइस जहाँ से आप वीडियो में दोस्तों म्यूजिक आए, जहाँ से बीट चेंज हो, वहाँ से आपको वीडियो काटना है। जैसे हमारी बीट यहाँ से आएगी, ठीक है, तो मैं यहाँ से वीडियो को काट देता हूँ। इसको आपको यहाँ से स्प्लिट करना होगा, स्प्लिट करने के बाद आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना होगा। अब आपको जाना होगा एफएक्स में, एफएक्स में जाने के बाद यहाँ से आपको एक एफएक्स को लगाना होगा जिसका नाम है फ्लैश, ये वाला, ठीक है, इसको स्क्रॉल करके आपको थोड़ा आगे तक कर देना है। अब देख लीजिए दोस्तों कुछ ऐसा आएगा जब यहाँ से आपकी वीडियो आएगी। अब दोस्तों आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद फिल्टर में जाना होगा और यहाँ से आपको एक फिल्टर लगाना है, ब्लैक एंड वाइट वाला फिल्टर, क्योंकि वीडियो तो हमें ब्लैक एंड वाइट करनी है। अब आपको जो भी पसंद हो सिंपली आप उसे लगा सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे आपको फिल्टर मिल जाएंगे ब्लैक एंड वाइट वाले, ठीक है, और यहाँ से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरीके से। यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से करना है। तो मैंने ये लगा लिया, उसके बाद यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। अब देख लीजिए दोस्तों वीडियो आपकी कैसी रहेगी, कुछ ऐसी चलेगी तो ऐसी आएगी वीडियो आपकी और देखने में काफ़ी गजब लगेगी म्यूजिक के हिसाब से, बीट के हिसाब से। अब आपको शुरू में आना है, तो पहली वाली वीडियो का जो पार्ट हमने ट्रिम किया था उस वीडियो में भी हमें यहाँ से एक इफेक्ट लगाना होगा। तो मैं यहाँ से इफेक्ट में जाता हूँ, इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से मैं ये लगा लेता हूँ, पहला इस तरीके से लगा सकते हैं, फिर दूसरे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आप कौन सा लगाना चाहते हैं, देख लीजिए दोस्तों जो भी आपको पसंद हो आपकी वीडियो के हिसाब से। मैं यहाँ से दूसरा लगा लेता हूँ, इसको स्क्रॉल करके थोड़ा आगे तक कर देता हूँ। उसके बाद सही वाले ऑप्शन में क्लिक करके मैं बैक आ जाता हूँ। अब देख लीजिए दोस्तों आपकी वीडियो इस तरीके से आएगी, वीडियो कितनी बेहतरीन आई है और इफेक्ट के हिसाब से आपकी वीडियो भी चेंज हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी दोस्तों यहां से आपका शॉर्ट्स बनके क्रिएट हो चुका है, सिंपली आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहां से राइट वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।